हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टाइम का फॉर्मूला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में कैसे यूज करेंगे उसी की बात करेंगे हम। सिर्फ टाइम, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ टाइम की बात कर रहा हूं मैं। फिर ये लगेगा कैसे, यूज कैसे होगा, इसी की बात करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से देखते रहिए और आई होप कि ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि टाइम का फॉर्मूला कैसे यूज होगा। तो सबसे पहले एक टेबल बनाया मैंने, ये टेबल देख लीजिए, इस तरह से कुछ बनाया मैंने। आप देख सकते हैं यहाँ एम्प्लॉई आईडी दिया है, ऑटो नंबर, और ये टाइम दिया है, शॉर्ट टेक्स्ट रखा है, टाइम को शॉर्ट टेक्स्ट ही रखा है मैंने, और यहां पर इस तरह से क्लिक कर दिया है। ठीक है, अब ये दो टाइम आ रहा है। यहां पर एक हमें क्वेरी बनानी है, तो क्रिएट पे चलते हैं और चलते हैं कहां, क्वेरी डिजाइन पर। तो क्वेरी डिजाइन ये दिख रहा है, क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, एड पे क्लिक करना है। एड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर दोनों फील्ड आपको दिखाई पड़ जाएंगी, इन दोनों फील्ड को उठाइए और यहां लेके आ जाइए। आगे चलिए, अब यहां पर आएंगे तो यहां पर मैं कोई भी, जैसे मान लीजिए हम टाइम की बात कर रहे हैं ना, तो यहां टी लिख देता हूं, ठीक है, और यहां पर लगा देता हूं कोलन, ताकि पता चलता रहे कि हम टाइम की ही बात कर रहे हैं। और या फिर डायरेक्टली यहां पे लिखता हूं मैं टी आई एम ई, टाइम, ये लिखा हमने। अब तो कोई ना कोई फील्ड का नाम तो देना जरूरी है, लेकिन फिर भी अगर नहीं देंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। और ये देखिए 17:25:17 हो रहे हैं। अब देखिए यहां पर मैं आपको करंट टाइम दिखा रहा हूं, संडे है आज और 16 मई 2021 का दिन है, और ये टाइम देखिए 17:25 हो रहा है, यहां पर भी 17:25 हो रहा है। अब यहां पर अगर आप कुछ नहीं देते हैं तो इसी तरह से लिखा हुआ आ जाएगा, ये बाय डिफॉल्ट आ जाता है, EXPR 1 2 3, जैसे ही क्वेरी बनाते जाएंगे ये आता जाएगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं टाइमिंग, ठीक है, ये लिख दिया मैंने टाइमिंग, तो ये इस तरीके से आ जाएगा, आप देख सकते हैं। अब यहां पर